हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाउस यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट स्पोर्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैडमिंटन रैकेट की टर्म्स के बारे में और बहुत सारे मेटल्स बैडमिंटन रैकेट में यूज किए जाते हैं जैसे कि कार्बन, स्टील, ग्रेफाइट। तो वो उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, तो इस सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है मोनीश, तो स्टार्ट करें। जो पहली चीज है वो है बैडमिंटन की स्ट्रिंग या बैडमिंटन की गट। बेसिकली होता क्या है, बैडमिंटन रैकेट की स्ट्रिंग या गट इसी को कहते हैं। कई लोग स्ट्रिंग्स नाम लेते हैं, कई लोग गट्स नाम लेते हैं, लेकिन वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज होती है। जो अगली चीज है वो है डेमो गट। डेमो गट क्या होती है, बेसिकली जो कंपनी से लगी हुई शुरुआत में ही रैकेट पे आती है उसको हम डेमो गट बोलते हैं। जैसे कि ये रैकेट है, इसमें ये रैकेट मुझे स्ट्रंग ही मिला था, मतलब कंपनी से मुझे ऐसा ही मिला था, पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगी हुई थी। और एक ये रैकेट है, ये रैकेट मुझे कंपनी से ऐसा मिला था बिना स्ट्रिंग के। तो इसमें कोई डेमो स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन इसमें डेमो स्ट्रिंग लगी हुई है। कंपनी जो अलग स्ट्रिंग्स निकालती है उसको डेमो स्ट्रिंग्स नहीं बोलते हैं, वो एडिशनल स्ट्रिंग्स होती हैं। बट जो कंपनी साथ में रैकेट में करके देती है उसको हम डेमो स्ट्रिंग बोलते हैं। जो अगली चीज होती है वो है बैडमिंटन रैकेट की शाफ्ट और बैडमिंटन रैकेट का हेड। ये बैडमिंटन रैकेट की शाफ्ट कहलाती है और ये पार्ट बैडमिंटन रैकेट का हेड कहलाता है, या कई लोग इसको फ्रेम भी बोलते हैं बेसिकली। तो ये है रैकेट के हेड और रैकेट का शाफ्ट। जो अगली चीज है वो है बैडमिंटन रैकेट का जॉइंटलेस और जॉइंट होना। जैसे ये रैकेट है, इसमें आप देख सकते हैं ये रैकेट का जो हेड है और रैकेट का जो शाफ्ट है उसमें एक टी जॉइंट लगा हुआ है। ये टी जॉइंट इसके हेड और इसके शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम टी जॉइंट रैकेट, एक्सटर्नल टी जॉइंट रैकेट। बाहर लगा हुआ है इसलिए एक्सटर्नल टी जॉइंट रैकेट। और जो अगला रैकेट है वो है ये, जिसमें कोई भी टी जॉइंट नहीं है। ये वन पीस फ्रेम का रैकेट है, इसमें हेड और शाफ्ट के बीच में कोई भी टी जॉइंट नहीं लगा हुआ, सिर्फ वन पीस में बना हुआ है, तो इसको वन पीस रैकेट बोलते हैं। अब इस वन पीस रैकेट के अंदर एक बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी योनेक्स यूज करता है। इसका मतलब ये वन पीस के अंदर भी एक टी जॉइंट लगा होता है लेकिन आपको दिखता नहीं है, वो रैकेट के वन पीस फ्रेम को सपोर्ट देने का काम करता है। बेसिकली इसका यूज क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस रैकेट में तो सपोर्ट मिल गया इस टी जॉइंट की वजह से, ऊपर हेड को भी और शाफ्ट को भी, लेकिन इसमें तो सपोर्ट मिला ही नहीं क्योंकि ये वन पीस में ही बना हुआ है, तो उसको सपोर्ट कैसे मिलेगा, रैकेट को स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी, स्ट्रांग कैसे होगा रैकेट। तो वो बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी का योनेक्स यूज करके इस रैकेट को सपोर्ट देती है ताकि इसका वन पीस फ्रेम स्ट्रांग रहे। अगली जो चीज है वो है बैडमिंटन रैकेट की टेक्नोलॉजी जो इसके हेड में बेसिकली यूज की जाती है। जैसे इस रैकेट में ओवल शेप टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका हेड का जो शेप है वो ओवल है। और जो अगला रैकेट है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो आइसोमेट्रिक है। ये ओवल से काफी अलग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो फ्रेम का शेप है वो ओवल नहीं है, ओवल से काफी अलग है, एक स्क्वायर टाइप का आपको फ्रेम दिख रहा होगा, तो इसको आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली इन टेक्नोलॉजी में एक फर्क होता है। आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का फायदा यह होता है, या कुछ भी आप कह लीजिए, कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा स्वीट स्पॉट आपको बड़ा मिल जाता है। अब स्वीट स्पॉट क्या होता है, स्वीट स्पॉट बेसिकली ये वाला एरिया होता है बैडमिंटन का जहां पे शटल लगने के बाद परफॉर्मेंस सबसे हाईएस्ट आएगी, उसको बैडमिंटन का स्वीट स्पॉट कहते हैं। तो अब इसमें बड़ा कैसे होता है स्वीट स्पॉट, क्योंकि इस फ्रेम का साइज एक्चुअली स्क्वायर शेप में होने की वजह से जो वर्टिकल स्ट्रिंग्स होती हैं, जो स्ट्रिंग्स की लेंथ है, जैसे ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाती है। तो बराबर कैसे हो, क्योंकि फ्रेम हल्का सा आपका स्क्वायर शेप में बड़ा है, तो बड़े फ्रेम की वजह से स्ट्रिंग भी बराबर हो गई, तो ये एरिया बढ़ गया। लेकिन इस रैकेट के अंदर क्योंकि ये ओवल शेप है, इसमें जो ये स्ट्रिंग की लेंथ है ये इस स्ट्रिंग के बराबर नहीं है, तो इसलिए एरिया भी छोटा है बीच का। तो बेसिकली ये फर्क है आइसोमेट्रिक और ओवल शेप के अंदर। जो अगली चीज है वो है रैकेट का वेट। जो रैकेट का वेट होता है वो यू से इंडिकेट होता है, 1U, 3U, 4U, 5U, 6U. 1U सबसे हैवीएस्ट होता है, 1U के आगे U लिखा होगा। कभी भी अगर आपका बैडमिंटन रैकेट का वेट 1U होगा तो उसके आगे 1U नहीं, सिर्फ U लिखा होगा। 2U के आगे 2U लिखा होगा, 3U के आगे 3U लिखा होगा, लेकिन 1U के आगे सिर्फ U लिखा होगा। तो समझ जाइए कि ये 1U रैकेट है। 1U रैकेट सबसे हैवीएस्ट रैकेट होता है, मतलब ये वाला रैकेट जो है वो 1U है। 1U रैकेट का जो वेट होता है वो 95 ग्राम से लेकर 99.9 ग्राम के बीच में लाई करता है, मतलब इसके बीच में कोई भी वेट हो जाए उसको 1U कैटेगरी अलॉट कर देंगे। 2U जो रैकेट होता है
टू यू कैटेगरी के अंदर जो लाई करते हैं उनका ग्राम उससे 5 ग्राम कम, वो 95 से शुरू होता तो ये 90 से शुरू होकर 95 पेंड होते हैं। वैसे ही 3U 85 से शुरू होकर 90 पेंड हो जाएंगे। वैसे ही 4U 80 से 85, 5U 75 से 80 और 6U 70 से 75। तो ये वेट ऐसे कम होते रहते हैं, 1U सबसे हाईएस्ट, 6U सबसे कम वेट के रैकेट होते हैं। अगली जो चीज है वो है इस वेट के साथ में एक एडिशनल चीज मैं बताता हूं आपको। जब भी इस रैकेट का वेट किया जाता है तो अभी तो हमें ये रैकेट स्ट्रंग दिख रहा है, ग्रिप भी लगी हुई है, पैकेजिंग भी अच्छी हुई हुई है रैकेट के ऊपर, क्योंकि ये रैकेट अभी मैन्युफैक्चर होके आया है। लेकिन जब इस रैकेट का वेट कंपनी करती है तब ना तो ये ग्रिप चढ़ाती है ना ये स्ट्रिंग्स चढ़ाती है। बेसिकली होता क्या है, रैकेट को कोई भी कैटेगरी अलॉट करने के लिए उसकी स्ट्रिंग्स नहीं होती है। पहले जब रैकेट मैन्युफैक्चर होता है उसकी स्ट्रिंग्स नहीं होती है, स्ट्रिंग्स बाद में करी जाती है रैकेट के अंदर। इसकी ग्रिप भी नहीं होती है, नीचे लकड़ी की हैंडल होता है, एक वुडन हैंडल जिसको हम बोलते हैं, जो रैकेट का हैंडल होता है उसके ऊपर बेस ग्रिप चढ़ाई जाती है, पैकेजिंग की जाती है। उससे पहले ग्रिप चढ़ने से और स्ट्रिंग्स होने पहले ही रैकेट का वजन नाप लेते हैं। तो अगर वो रैकेट का वजन 95 से 100 ग्राम के बीच में आया तो वो 1U कैटेगरी के अंदर लाया करेगा बिना स्ट्रिंग्स बिना ग्रिप के। तो ग्रिप और स्ट्रिंग्स चढ़ाने के बाद वजन 2-3-4 ग्राम बढ़ता ही बढ़ता है। तो कभी भी आपके रैकेट के ऊपर वजन लिखा होगा वो बिना स्ट्रिंग्स और बिना ग्रिप का वजन है, जो भी यू कैटेगरी अलॉट की गई वो बिना इसके है। जो अगली चीज है बैडमिंटन रैकेट के अंदर वो है उसका जो मटेरियल जो उसके अंदर यूज किया गया है। कई बैडमिंटन रैकेट के अंदर स्टील और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, कई बैडमिंटन रैकेट के अंदर कार्बन और ग्रेफाइट मेटल का यूज किया जाता है। तो अलग अलग मेटल यूज किए जाते हैं बैडमिंटन रैकेट के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल जो ये वाला बैडमिंटन रैकेट है इसका जो शाफ्ट है वो स्टील से बना हुआ है और जो इसका फ्रेम है हेड है वो एल्युमिनियम से बना हुआ है। तो ये एल्युमिनियम स्टील रैकेट है और जो ये रैकेट है ये कार्बन ग्रेफाइट रैकेट है, हाई मॉडुलस ग्रेफाइट से बना हुआ है। तो अलग अलग मेटल का बेसिकली यूज किया जाता है रैकेट बनाने में। अब ग्रेफाइट रैकेट के अंदर नैनो ट्यूब नैनो मैश एक मटेरियल होता है वो इंसर्ट की जाती है ताकि इसके फ्रेम को स्ट्रेंथ मिले, जो कि स्टील एल्युमिनियम में नहीं इंसर्ट की जाती है। तो बेसिकली ये डिफरेंट मेटल्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स होते हैं जो बैडमिंटन रैकेट को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जो अगली चीज है वो है बैडमिंटन रैकेट की में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसके हेड के अंदर एक होती है एरो फ्रेम, एक होता है बॉक्स फ्रेम। बेसिकली एरो फ्रेम एक टेक्नोलॉजी होता है, एक टाइप का फ्रेम होता है जिसमें कर्व होता है पूरा, और बॉक्स फ्रेम में एक बॉक्स टाइप का कर्व होता है, मतलब एक पीछे नीचे कर्व होता है और बॉक्स लगा होता है, बॉक्स टाइप का डिजाइन होता है। तो एरो फ्रेम बॉक्स फ्रेम में बेसिकली फर्क क्या है, एरो फ्रेम हवा को काटता है, हवा की जो रेजिस्टेंस है वो कम कर देता है जिससे आपके शॉट्स ईजी हो जाते हैं काफी, क्योंकि जब हवा का प्रेशर ही कम हो गया वो हवा उसके कर्व के ऊपर से निकल गई, प्रेशर कम होने की वजह से जो आपका हेड है रैकेट का वो इजीली कंट्रोलेबल हो जाता है। तो डिफेंसिव प्लेयर के लिए काफी अच्छा है क्योंकि डिफेंसिव प्लेयर को थोड़ा फास्ट मूविंग रैकेट चाहिए होता है ताकि वो फास्ट इजीली मूव कर सके, ज्यादा पावरफुल गेम नहीं होता उनका, डिफेंसिव गेम होता है तो पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारा बॉक्स फ्रेम है उसका प्लस पॉइंट है कि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है एरो फ्रेम के मुकाबले। स्पीड थोड़ी कम होती है लेकिन वो पावर गेम के लिए लोगों के लिए रिकमेंड रहेगा, मतलब जो अटैकर्स होते हैं जो मोर पावरफुल गेम ज्यादा खेलते हैं डिफेंसिव के मुकाबले उनके लिए बॉक्स फ्रेम ज्यादा अच्छा रहता है। एक तो ड्यूरेबल रहता है, ऊपर से पावर गेम की बेस्ट है, और जो एरो फ्रेम है वो थोड़ा सा कम ड्यूरेबल रहता है बॉक्स फ्रेम के और डिफेंसिव प्लेयर के लिए बेस्ट है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था एरो फ्रेम और बॉक्स फ्रेम में। तो जो अगली चीज है दोस्तों वो है बैडमिंटन रैकेट के ग्रोमेट्स। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहूंगा कि बैडमिंटन रैकेट के ग्रोमेट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो आपको ये ब्लैक निब्स दिख रहे होंगे बैडमिंटन रैकेट के ऊपर जिसमें स्ट्रिंग्स होल्ड होती हैं उसको हम ग्रोमेट्स कहते हैं। ग्रोमेट्स बेसिकली काम करते हैं स्ट्रिंग्स को सेफ रखने का, मतलब अगर हम स्ट्रिंग सीधा हेड में इंसर्ट कर देंगे तो डैमेज होने के काफी चांस हो जाते हैं, इसलिए रबर टाइप के पार्टिकल्स जो होते हैं ये काफी हेल्प करते हैं आपकी स्ट्रिंग्स को बढ़िया रखने का और आपकी स्ट्रिंग्स को सेफ रखने का। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस कवर करने की, तो होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि हमारा स्पोर्ट्स का बिजनेस भी है, तो हम ऑफलाइन भी सेल करते हैं इस प्रोडक्ट्स को और ऑनलाइन भी सेल करते हैं। हमारा ऑफलाइन स्टोर है जयपुर राजस्थान के अंदर और ऑनलाइन हम मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी सेल करते हैं। तो जो लोग जयपुर में रहते हैं वो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। मैं स्टोर का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ ही साथ अगर आप राजस्थान से बाहर रहते हैं तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं स्पोर्ट्स हाउस पे जाके।
इसके अलावा अगर कोई बिजनेस इंक्वायरीज है तो मैं ईमेल डाल दूंगा, आप उस पर मेरे को बिजनेस इंक्वायरी पूछ सकते हैं।